औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज जड़ी वीडियो है ये सरकार मलाद नी असा बनाई रहे खीर, उस असने सारे संगी दोस्त गठे हुई था। असा ये वैसे तो हर साल ये फंक्शन होना, लेकिन जिनू असा आया वो चलो तुसा भी दसा मस्जिद ने सले बच्चे असा खीर बनाई रहे हैं मलाद वास्ते। तो उसने असने सारे दोस्त असें नाल जनाब असें चाचा अज असा लभी गए। आओ जी अदर अच्छो सरकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, तुसा क्या कोई आखना चाहो इस मलाद ने बारे में, कोई असा की कोई शेरी सुनाई ओड़ो कोई सरकार ना। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या हबीबल्लाह। सरकार ने जेड़ी नात पढ़वाने जितना समुंदर सख्ती खत्म मुकड़ी नहीं, पर अदना जे दो लफ्ज सरकार ने कि सरकार ने जिस जगह ते उतरिया नूर तेरा उत्था काबा आया खलक सुबहान बनया, बल्कि आदम ना उत्थो खमीर उठ्या ता मखलूक भी चाली शान बनया। ताज तेरे नाल इन्हां दा पिया ने कहते ये जमीन नाले आसमान बनया, अजरी की कारफ नू परखिया में तेरी की गदाती कुरान बनया। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या सय्यदी या हबीबल्लाह। जैसा कि व्यूज तुसां तकिया ये असाने नियायती प्यारे दोस्त भी हैं, तो साढ़े रिश्ते चाचा भी हैं जनाब खालिद साहब ने कि तकरीबन दुनिया जानी है। तो ये बहुत प्यारे इंसान हैं, अल्लाह ताला इन्हें की सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो ये असाने जनाब आज जड़ी है इन्हें पढ़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हें जड़ी मलाद ने सिलसिले में इन्हें थोड़े दो बोल बोले अल्लाह ताला इन्हें की उस अजर आला अजर दे। तो असा जनाब तुम्हें नालों नाल दस रहे सर खीर किसा बनी है, इसी कि चीज़ पैनी है। तो अच्छो उन समान नाल मैं तुसांगी दसां इस खीरे विच केड़ी केड़ी चीज़ पैनी है। थैंक यू जनाब। जो राइस एंड चावल इन्हों की बेहतर है भाई सेड़ी गिनो तकरीबन चार पाँच घंटे पहले, तो इन्हों की बाद की जल्द बनाओ उस इन्हों की विच मिक्स करी गिनो हाथों नाल जिसा स्क्वैश नहीं करना है। ये जनाब असने वाजिद उर्फ जगा साहब ये जड़े अग्नोइज करने इस सारे सिस्टम की शुरू थे हूँ ही नहीं जदूनी है, बल्कि पुरानी मस्जिद से जी असनी आडी स्ट्रीट उसने भी इस तरह, तो इतने भी इस तरह इन्हें अपने हर साल जिले भी मलाद ना महीना आचना ये जनाब इस तरह कोशिश करने अल्लाह ताला इन्हें कि मजीद इस चीज़ विच बरकत दे। नाल दो बोतल जड़ियाँ ये पानिया दी बहनिया पैनिया, क्योंकि तुसां की पता जिले दुध खाली स्पैशल दुध वै तो बिच पानी ना वै तो फिर दुध सन्ना रहना, इस तरह पानी सड़सी। रौनक लगी किचन विच जगह साहब छोटी लाची कि तकरीबन असा हूँ 15 मिनट आई गए ये जनाब जगह साहब इसकी स्टिल ला ही रहे कि ये नाल ना लगे कि वाली आई गई है। तो हूँ टाइम आई गया इसने असा चावल सट्टा राइस, तो तुसा की दसने हूँ जनाब जगह साहब इसने सट्टन लगे चावल। बिस्मिल्लाह ने बरकत ये जगह साहब केड़े चावल न स्पेशल चावल न कोई या कोई भी यूज कर सकते हैं? अच्छा कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 किलो शुगर खीर मिक्स ने जो पैकेट ने ये तकरीबन 3 बन लगे
चमचा छोड़ना नहीं, चमचा नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जग्गे साहब ना कि जिहड़ी बेहतरीन खीर बनाने ना सही तरीका भी दसने न, दूसरा बनाई भी है ने, तो बहुत बहुत असा शुक्रिया अदा करने हैं। ये यूट्यूब चैनल ना जिहड़ा ये अपना कश्मीर शेफ ने, तो प्लीज सब्सक्राइब करया है, लाइक करया है, तो प्रमोट करो और ना दोस्तों को भी दसो, तो थैंक यू बहुत मेहरबानी। नबी पर भड़ारा होगा, बड़े ही रहने से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब जी। सरकार ये कोई बंदियां की बाहू ना इसनी कोई हिस्ट्री इस मस्जिद नी जी, 3.5 साल लगे इसी बनाने दिक्के की, ते इंशाल्लाह सारियां मतलब है लोगों बड़ी मदद की है, अल्लाह ने करे वास्ते बहुत कुछ दिता है, ते अस उन लोगों ने शुक्र अदा कि अल्लाह ताला उन्होंने दिते हुए कबूल फरमाए, ते जिन्ना नी तकी मस्जिद वो भी अच्छी तरह मस्जिद तको कि तुसने पैसे सही जगह पर लगे या नहीं लगे, तो अल्लाह ताला तुसने कबूल करे। हर मुसलमान ने लीड बड़ा फुट सारियां चंदा किता, तो अल्लाह की जात ने यह करम किता, 3.5 साल लगे तकरीबन 2,300,000 इसी आबाद करे। दुआ करो कि अल्लाह की जात इसकी आबाद करे। एक खीर हूँ बिल्कुल रेडी है, हूँ इसकी ठंडी होने वास्ते रख सा, उस तो बाद फिर इसकी डब्बियों में पैक कर सा, तो डब्बियों के जो तुम्हें सीजन फ्रूट पे वे ड्राई फ्रूट्स और सारे अपर उसने डेकोरेट वास्ते ला सा, तो ये हूँ जनाब तको वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू। लियो जी जनाब हूँ एक खीर हो गई तैयार। मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊं दार से मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना